नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा। जल संकट को लेकर एलजी ने दिल्ली सरकार पर कसा तंज। एलजी वी के सक्सेना ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार पर जल संकट को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने मिर्जा गालिब की शायरी के जरिए तंज कसते हुए कहा कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। राजधानी दिल्ली में जल संकट को लेकर सियासी रस्साकस्सी जारी है। इसी बीच एलजी वी के सक्सेना ने दिल्ली सरकार के रवैये को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली में 24 घंटे पानी सप्लाई का वादा एक छलावा साबित हुआ है। दिल्ली में पानी की यह कमी सिर्फ और सिर्फ सरकार के कुप्रबंधन का नतीजा है। आप सरकार द्वारा पड़ोसी राज्यों पर आरोप लगाने को लेकर उन्होंने गालिब की एक शायरी के जरिए सरकार पर तंज कसा। एलजी वी के सक्सेना ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार पर जल संकट को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने मिर्जा गालिब की शायरी के जरिए तंज कसते हुए कहा कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से दिल्ली में जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाई दे रहा। दिल्ली में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान जोखिम में डालकर एक बाल्टी पानी के लिए सैकड़ों लोग टैंकरों के पीछे भाग रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा 24 घंटे पानी सप्लाई करने का वादा एक छलावा साबित हुआ है। एलजी ने कहा कि देश की राजधानी में ऐसे हृदय विदारक दृश्य देखने को मिलेंगे, इसकी शायद ही किसी ने कल्पना नहीं की होगी। लेकिन सरकार द्वारा अपनी विफलताओं के लिए अन्य राज्यों पर दोषारोपण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा दिल्ली में 24 घंटे पानी सप्लाई करने का वादा अब तक तो एक छलावा ही साबित हुआ है। मुझे बताया गया है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश लगातार अपने निर्धारित कोटे का पानी दिल्ली को दे रहे हैं, इसके बावजूद आज दिल्ली में पानी की भयंकर कमी। एलजी ने कहा कि देश की राजधानी में ऐसे हृदय विदारक दृश्य देखने को मिलेंगे, इसकी शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी। लेकिन सरकार द्वारा अपनी विफलताओं के लिए अन्य राज्यों पर दोषारोपण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा दिल्ली में 24 घंटे पानी सप्लाई करने का वादा अब तक तो एक छलावा ही साबित हुआ है। मुझे बताया गया है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश लगातार अपने निर्धारित कोटे का पानी दिल्ली को दे रहे हैं, इसके बावजूद आज दिल्ली में पानी की भयंकर कमी है। जो कि सबसे बड़ी वजह है वो यह है कि जितने पानी का उत्पादन हो रहा है उसके 54% का कोई हिसाब ही नहीं है। 40% पानी सप्लाई के दौरान पुरानी और जर्जर पाइपलाइनों की वजह से बर्बाद हो रहा है। आपको बताते चले ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि जहां एक तरफ दिल्ली के अमीर इलाकों में औसतन प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 550 लीटर पानी सप्लाई किया जा रहा है, वहीं गांव और कच्ची बस्तियों में रोजाना औसतन मात्र 15 लीटर पानी प्रति व्यक्ति सप्लाई किया जा रहा है। एलजी ने कहा कि मुझे बताया गया कि आज के दिन भी वजीराबाद को छोड़कर दिल्ली के सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स अपनी क्षमता से ज्यादा पानी का उत्पादन करें।